अरे वाह लोमड़ी बहना, आपने तो आइसक्रीम शॉप खोल ली। वाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है आइसक्रीम की, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अरे बहना आप क्यों फिक्र करती हो, आपसे कोई पैसे लूँगी मैं। आपने आज आपको बिल्कुल फ्री की आइसक्रीम खिलाऊंगी। बस तुमने ये करना है कि पूरे जंगल में जाके मेरी आइसक्रीम शॉप के बारे में सबको बताना है। जैसे जैसे लोग आएंगे मेरे पास खाने के लिए, मैं तुम्हें रोज़ाना की फ्री आइसक्रीम दूंगी। अरे वाह बहना, मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी जाती हूँ और जंगल में सबको बताती हूँ आपकी आइसक्रीम का। जी जी ज़रूर जाओ और कस्टमर लेके आना। बहना आप फिक्र मत करो, मैं अभी गई और यूं आई। कवा बहना, कवा बहना, लोमड़ी बहना ने बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम शॉप खोली है और बहुत ही कम प्राइस में वो दे रही हैं। आप भी चलो ना मेरे साथ और बहुत कम प्राइस में आप आइसक्रीम खा सकोगी। बकरी बहना आप यकीन करो, पूरे जंगल में कहीं भी ऐसी शॉप नहीं है जो लोमड़ी बहना ने खोली है। वो सबको जंगल में बता देती है कि लोमड़ी बहना ने बहुत अच्छी आइसक्रीम शॉप खोली है। सारे जानवर सुनकर ये बहुत खुश होते हैं, पर घोड़ा खुश नहीं होता। वो नाराज़ हो जाता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं आइसक्रीम खाने के, मैं कैसे आइसक्रीम खाऊंगा। तो हाथी उसे बोलता है, तुम क्यों फिक्र करते हो घोड़े भैया, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊँगा तुम्हें आइसक्रीम। वाह बहन तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे पास तो बहुत कस्टमर है। हाँ बहना, मैंने सारे जंगल में आपकी आइसक्रीम की इतनी तारीफ की कि लोग आने पर आपके पास मजबूर हो गए। हाँ हाँ मेरे पास बहुत कस्टमर है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अब एक बात याद रखो, ये लो आइसक्रीम खाओ और डेली मेरे पास आ जाया करना। इसी तरह कस्टमर लेकर आना और मैं तुम्हें इसी तरह आइसक्रीम खिलाती रहूँगी। ओ माय गॉड, थैंक यू लोमड़ी बहना, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो अभी और भी आपकी पब्लिसिटी करवाऊँगी पूरे जंगल में। राजा साहब को जाके बताऊँगी, वो भी आपकी शॉप पर हैं। हाँ हाँ राजा को तो ज़रूर बताना, उसके लिए तो मैं स्पेशल आइसक्रीम बनाऊंगी ताकि मेरा काम बहुत अच्छे से चल सके।